मिलिए बिहार के इस डिजिटल भिखारी राजू से। पीएम मोदी का भक्त है, लालू यादव भी कभी थे इसके फैन। आइए जानते हैं इस शख्स के बारे में, लेकिन इससे पहले इस भिखारी के इस डिजिटल तरीके के लिए एक लाइक तो बनता ही है। बिहार के एक डिजिटल भिखारी की आजकल खूब चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए कि भिखारी के गले में QR कोड की तख्ती टांग कर लोगों से वो भीख मांगता है। बिहार के बेतिया के रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने वाले भिखारी डिजिटल भिखारी के रूप में फेमस है। यहाँ बचपन से ही भीख मांग कर बड़ा हुआ राजू ने अपने भीख मांगने के धंधे को भी डिजिटल कर दिया। राजू की पहचान डिजिटल भिखारी के रूप में होती है। वो गले में गूगल पे और फोन पे के ई स्कैन करने वाली तख्ती टांग कर भीख मांगता है। वो हाथ में टैब लेकर रहता है। भीख मांगने पर कोई उसे कहता है कि छुट्टे नहीं है तो वो कहता है कोई बात नहीं बाबूजी, एक काम करो फोन पे कर दो, गूगल पे ही कर दो, पेटीएम तो कर ही सकते हो। उसके बाद लोग कहते हैं कि राजू बिहार का शायद पहला डिजिटल भिखारी है। हालांकि राजू का दावा है कि वो देश का पहला डिजिटल भिखारी है। राजू को लोग मंदबुद्धि बताते हैं, लेकिन राजू की सोच स्मार्ट है। ये अलग बात है कि उसकी स्मार्ट सोच भीख मांगने जैसे काम के लिए है। इसके बाद स्थानीय लोग बताते हैं कि वो बचपन से ही यही भीख मांग रहा है और यही भीख मांगते हुए बड़ा हुआ है। वो बड़े ही अलग अंदाज में लोगों से भीख मांगता है, इसकी वजह से उसे आराम से भीख मिल जाती है। अगर कोई उससे कहता है कि मेरे पास खुले पैसे नहीं है, तो वो अपना QR कोड वाली तख्ती आगे कर देता है। भीख मांगने के इस अनोखे तरीके को देखकर लोग उसे स्कैन करके पैसे भी देते हैं। लोग 1 रुपए से लेकर 100 रुपए तक उसे भीख में दे देते हैं। राजू लालू प्रसाद का फैन है। वो लालू प्रसाद को अपने पिता जैसा मानता है। वो जिले में लालू प्रसाद के होने वाले सभी कार्यक्रम में पहुंचता था। राजू कहता है कि लालू प्रसाद भी उसे बहुत पसंद करते हैं। साल 2005 में लालू प्रसाद के आदेश पर उसे सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस की पैंट्री कार में रोजाना खाना दिया जाता था। उसे 2015 तक हर रोज इस ट्रेन से खाना मिला। इसके साथ ही राजू खुद को पीएम मोदी का भक्त बताता है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया का भी दीवाना है। इस डिजिटल भिखारी के बारे में आपकी राय क्या है, जरूर हमें बताइए। इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।